type 1 integration of a sin x plus b cos x whole divided by c sin x plus d cos x into dx. और टाइप नंबर वन में और कैसे दिखेंगे सम्स? इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन सॉरी ए ई रेस टू एक्स प्लस बी सी ई रेस टू एक्स प्लस डी इंटू डी एक्स. ये दोनों टाइप नंबर वन है. ऐसे जैसे ही क्वेश्चन अपने को पूछता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स होल डिवाइड बाई सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स इंटू डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू ई रेस टू एक्स प्लस बी डिवाइड बाय सी इंटू ई रेस टू एक्स प्लस डी. तो अप्लाई दी फॉर्मूला. अप्लाई न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डिनोमिनेटर प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. इधर विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैंने इसलिए किया क्योंकि अपना फंक्शन क्या इधर वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स था, इसलिए मैंने इधर विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया. राइट. द वन सॉल्व द एग्जाम्पल. द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स होल डिवाइड बाय थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स इंटू डी एक्स. इसको आता है सॉल्व करो. राइट. हाउ टू सॉल्व? फर्स्ट लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स होल डिवाइड बाय थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स इंटू डी एक्स. आई थिंक ये टाइप नंबर वन जैसा दिख रहा है. देखिए वन वैल्यू ऑफ ए इज वन साइन एक्स प्लस बी का वैल्यू क्या है टू कॉस एक्स होल डिवाइड बाय सी का वैल्यू क्या बोलिए थ्री साइन एक्स प्लस डी का वैल्यू फोर इंटू कॉस एक्स. जस्ट लाइक सेम ऐसे ही दिख रहा है. इसके लिए मैं अप्लाई करूँगा न्यूमरेटर. ये वाला टर्म क्या अपना न्यूमरेटर है और जो डिवाइड में दिया है वो तुम्हारा डिनोमिनेटर है. राइट. तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू तो न्यूमरेटर क्या अपना वन इंटू साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स. ये अपना न्यूमरेटर हो गया. न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर क्या दिया है थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स प्लस बी द डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मैं एक्स करूँगा बिकॉज ये विद रिस्पेक्ट टू इधर एक्स है. डिनोमिनेटर क्या है थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स. गॉट इट. एंड देन वन इंटू साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ ए ए थ्री ए साइन एक्स प्लस फोर ए कॉस एक्स प्लस बी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्लाई द डिफरेंशिएशन थ्री डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स. डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स मीन्स माइनस प्लस माइनस माइनस फोर साइन एक्स. वन सेकेंड वी राइट वन इंटू साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स इज इक्वल टू थ्री ए साइन एक्स प्लस फोर ए कॉस एक्स एंड मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ बी थ्री बी कॉस एक्स माइनस फोर बी साइन एक्स. राइट. एंड द वन इंटू साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स हियर वी कैन टेक अ कॉमन. साइन एक्स इधर भी है साइन एक्स इधर भी. राइट. साइन एक्स कॉमन होगा तो टर्म क्या बचेगा बोलिए थ्री है इधर मल्टीपल साइन एक्स का क्या है माइनस फोर बी. नेक्स्ट ये दोनों टर्म में आई थिंक कॉस एक्स कॉमन है. राइट. तो कॉस एक्स ब्रैकेट में इन ब्रैकेट फोर ए प्लस थ्री बी. नेक्स्ट द कंपेयरिंग विथ कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स. तो क्या होगा बोलिए इस टर्म में क्या है मल्टीपल ऑफ साइन एक्स का थ्री ए माइनस फोर बी इज इक्वल टू व्हाट. इधर साइन एक्स का मल्टीपल क्या है वन. इक्वेशन नंबर
first. And the second is cos x ka multiple kya idhar 4a plus 3b is equal to idhar cos x ka multiple kya hai 2, equation number 2. एंड साइमल्टेनियसली मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा और जैसे मैं सॉल्व कर दूँगा तो इजीली एस्टीमेट हो जाएगा वैल्यू ऑफ ए एंड द वैल्यू ऑफ बी. तो सॉल्व करते, तो जब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बहुत सारे रूल्स है, तो उसमें से एक रूल ऐसा भी है कि जब क्रॉस में नंबर वैल्यू सेम होगा, नंबर सेम होगा तो वंस टाइम एडिशन एंड देन सेकेंड टाइम सब्ट्रैक्शन करके एंड देन दो इक्वेशन फर्दर न्यू मिलेंगे एंड देन उसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एड adding equation 1 and 2 we get kya ka boliye 3a minus 4b is equal to 1 and 4a plus 3b is equal to 2 add karna hai. addition karte waqt sign change nahi hoga. 1 plus 2 is 3 is equal to plus minus is minus, minus plus is minus, 4 minus 3 is 1b and the big number sign is minus, plus plus is plus 7a and the equation number is third. Same ये दोनों equation को once time मैंने addition किया and then second time मैं subtraction करूँगा. subtracting equation 1 and 2 we get क्या मिलेगा 3a minus 4b is equal to 1 and 4a plus 3b is equal to 2. subtract करना है तो हर एक का साइन चेंज होगा. इधर प्लस था तो मैंने क्या किया माइनस, इधर भी प्लस था तो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, इधर भी प्लस है तो इधर मैं क्या करूँगा माइनस करूँगा. ठीक है, तो प्लस माइनस इज माइनस, माइनस 1, माइनस माइनस इज प्लस, बिग नंबर साइन इज माइनस 7b. नेक्स्ट प्लस माइनस इज माइनस, 4 माइनस 3 इज 1a. माइनस में कॉमन लेता हूँ, माइनस 1 कॉमन लिया तो a प्लस 7b इज इक्वल टू माइनस 1, देन a प्लस 7b इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 1. इधर मल्टीप्लिकेशन है ना, इधर आके डिवाइड हो गया, माइनस 1 इज कैंसल्ड इज 1, a प्लस 7b इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को देखते ही ऐसा लगता है कि b का मल्टीपल इधर 7 है और इधर b का मल्टीपल 1 है. मीन्स में इक्वेशन नंबर 3 में इन इक्वेशन 3 वी मल्टीप्लाई बाय 7. वाई? बिकॉज इधर का जो b का मल्टीपल है ये b का मल्टीपल सेम होगा तो अपोजिट साइन था तो कैंसिल हो जाएगा, राइट. तो इजीली अपने को वैल्यू ऑफ a कैलकुलेट हो जाएगा, एस्टीमेट हो जाएगा. मीन्स इक्वेशन नंबर 3 है क्या 7a माइनस 1b इज इक्वल टू 3. इस इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा 49a माइनस 7b इज इक्वल टू 7 3 21, इक्वेशन नंबर 5th. द इक्वेशन 4 एंड द इक्वेशन 5th को देखते क्या लगता है कि b का जो मल्टीपल है नंबर एज इट इज़ है, मीन्स ये दोनों का अपोजिट साइन है तो मैं क्या करूँगा दोनों को ऐड करूँगा. तो ये एडिंग इक्वेशन 5th एंड 4th देन वी गेट क्या होगा, बिग नंबर 21 है, मीन्स ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राइट डाउन करता हूँ 7b इज इक्वल टू 21 और इधर a प्लस 7b इज इक्वल टू 1 एडिंग कर रहा हूँ. तो 7b है, 7b कैंसिल बिकॉज अपोजिट साइन प्लस माइनस माइनस एंड द 49 प्लस 1 है इज 50a ऐड किया ना मैंने, तो 21 प्लस 1 इज 22. तो वैल्यू ऑफ a विल गेट 22 डिवाइड बाय 50. जैसे कैंसिल करूँगा तो 2 ones are 25 50 डिवाइड बाई 25. तो वैल्यू ऑफ ए इज कैलकुलेटेड 11/25. ठीक है, अब ए का वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया. सिमिलरली मैं क्या करूँगा, ए का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा वैल्यू ऑफ बी.
value of A (11/25) put in equation 4, A plus 7B is equal to 1. A plus 7B is equal to 1. A plus 7B is equal to 1. तो A का वैल्यू क्या है, 11/25 प्लस 7B इज इक्वल टू 1. तो 7B इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस हियर प्लस है ना, तो माइनस 11/25. तो मैं क्या करूँगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 डिवाइड बाय 25. तो इधर क्या आएगा, 14 डिवाइड बाय 25 7B. तो B इज इक्वल टू B और 7 का रिलेशनशिप क्या, मल्टीप्लिकेशन का, तो क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. तो 7 1 7 2 तो क्या आ जाएगा, 2/25 B का वैल्यू अपने को एस्टिमेट हुआ, मींस कैलकुलेट हो गया. तो A का वैल्यू तुम्हारा क्या है, 11/25, B का वैल्यू मिला 2/25. तो अपने को रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन क्या था, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स डिवाइड बाय 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स इंटू डी एक्स. तो न्यूमरेटर के टर्म में मैं क्या राइट डाउन कर सकता हूँ, आई थिंक मैंने जस्ट अभी आपको बताया. इधर न्यूमरेटर के टर्म में मैं देखिए, ये न्यूमरेटर मैंने फॉर्मूला दिया था आपको, ये फॉर्मूले के बेसिस से मैंने सॉल्व किया. तो ये वाला टर्म किधर है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डिनोमिनेटर प्लस बी डेरिवेटिव डिनोमिनेटर. मैं ए इक्वेशन को मैं उधर राइट डाउन करूँगा, तो क्या आएगा, ए ए ए न्यूमरेटर ए डिनोमिनेटर. तो फॉर्मूला क्या था, ए डिनोमिनेटर 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या था, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स होल डिवाइड बाय क्या दिया अपने को, विथ इसको डी एक्स करना अपने को, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स. अब डिनोमिनेटर में क्या करूँगा, ये एक टर्म है और ये एक टर्म दिया है, तो ये दोनों टर्म को मेरा डिनोमिनेटर जाएगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ ए का वैल्यू क्या है अपना, 11/25 और 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स. ए का वैल्यू मैंने निकाला 11/25, मैंने इधर सब्स्टिट्यूट किया, डिवाइड बाय 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स दोनों टर्म को जाएगा, प्लस बी वैल्यू ऑफ बी 2/25 इधर है, 2/25 इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर था 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स होल डिवाइड बाय 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स इंटू डी एक्स. तो नेक्स्ट ये पूरा टर्म इसे कैंसल्ड, इंटीग्रेशन ऑफ 11/25 तुम्हारा कांस्टेंट है, मैंने कॉमन लिया, 1 इंटू डी एक्स प्लस 2/25 इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स डिवाइड बाय 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स इंटू डी एक्स. तो इधर इंटीग्रेशन ऑफ 1 मीन्स कांस्टेंट का क्या होता है, फंक्शन हो जाएगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, तो ये जो होता है ये अपना फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2/25. इधर एक कोरोलरी अप्लाई हो रहा है, वो कोरोलरी में साइड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ. कोरोलरी, कोरोलरी मीन्स डिनोमीटर का जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट न्यूमरेटर में आपको दिखा, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है,
log of mode of denominator plus c. आई थिंक नहीं समझा रहेगा. इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर का जो फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन न्यूमरेटर के टर्म में है, देखिए ना एफ ऑफ एक्स है इधर, इधर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब यही फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर रहेगा, ऊपर मीन्स न्यूमरेटर में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग ऑफ मोड ऑफ डिनोमिनेटर होगा. देखिए सेम लुक लाइक्स ऐसे ही दिख रहा है. डिनोमिनेटर में क्या है, थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स, ये पूरा एफ ऑफ एक्स एज्यूम करो, और वही डेरिवेटिव ऑफ इधर भी एफ ऑफ एक्स है, तो ऐसे ही जस्ट लाइक दिख रहा है ना. तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग ऑफ मोड ऑफ डिनोमिनेटर में क्या दिया है, थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स प्लस सी. और इधर एक रीज़न देना पड़ेगा, जो रीज़न मैंने इधर जस्ट अभी एक्सप्लेन किया वही रीज़न आपको इधर देना है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी. राइट, तो अपना आंसर क्या मिला अपने को, रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन 11/25 x प्लस 2/25 log of mod of 3 sin x plus 4 cos x plus c. ये अपना फाइनल आंसर है. नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 में एक्सप्लेन करूँगा.